सुबह 9 बजे आके फिर यहाँ से वहाँ पे आसीगढ़ किया था। बोला यहाँ नहीं होगा, आसीगढ़ जाओ। आसीगढ़ से आए हो? रिटर्न आया, लेकिन वो 2 घंटा 3 घंटा से खड़ा हुआ, ये बात सही नहीं, ये लोग झूठ कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी कोर्ट में मौजूद है और यहाँ पर जहाँ पर स्टैंप मिलती है ठीक उसी के बाहर देख सकते हैं लंबी लाइन है। लंबी लाइनों की जो कतारें लगी हुई है वो आप देख सकते हैं और पीछे तक लाइन जो है वो फैली हुई है और सुबह से ही लोग यहाँ पर रुके हुए हैं अपने अपने कामकाज को छोड़ के। हम आपको बता दें कि यहीं से एक हमारे दर्शक जो है वो हमें फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है। इनसे ही बातचीत करके हम जानेंगे कि इनका इस विषय पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार शाह है और मैं IDFC बैंक में हूँ। कितने बजे से आते हैं? मैं यहाँ 10 बजे आया हूँ। 10 बजे लाइन में लग गया और लाइन में लग गया तो कोई है ही नहीं। अब वो 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 50 रुपये, कुछ पता नहीं चल रहा है। आदमी लगे जा रहे हैं, लाइन पे लाइन लगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम भी हाँ आगे देखिए। आप 100 का स्टैंप पेपर नहीं था हमारा, 2 था, 50 मांगा वो भी नहीं दिया। ये लोग देने वाला नहीं है। हमारा ऑफिस में लेट हो रहा है जिसकी वजह से। कितने बजे से आके रुके हुए? सुबह 9 बजे आके फिर यहाँ से हम अभी आसीगढ़ किया था। बोला यहाँ नहीं होगा, आसीगढ़ जाओ। आसीगढ़ से आए, वहाँ भी नहीं है। अभी फिर रिटर्न आया। अब फिर एक बार लाइन लगा करके देखते हैं, फिर से लाइन में रुके हुए हैं। हाँ हाँ, यानी कि सुबह 9 बजे से रुके हुए। अभी का अगर मैं समय बताऊं कि दोपहर को 1:15 बज रहे हैं, ये 3 घंटे से लगभग यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक मिला है आपको? नहीं है, अभी वो खड़ा है, अभी लाइन में दिया है। देखते हैं मिलता है कि नहीं है। हमको चाहिए या ये 100 का नहीं मिलेगा तो 50 का तो चाहिए, और ये होगा नहीं है ये लोग सब। हाँ, बैंक में आज का अंदर देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा इशू है ना, ये लोग टाइम मेंटेन नहीं करते हैं। सुबह 12 बजे 9 बजे अगर आदमी आता है, इन लोगों का टाइमिंग 10 बजे से है और ये लोग आते हैं 12 बजे 12:30 बजे। आप देख रहे हैं, अगर शुरू से डील किया जाए तो इतना बड़ा लंबा लाइन नहीं होगा। और लाइन भी देख रहे हैं, सोशल आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग बोल के कुछ है नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अलग सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज का कोई? आप देखिए, वो देखिए, नहीं कोई लाइन नहीं, वहाँ देखिए लेडीज। आप दिखा दें कि लेडीज जेंट्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन की भी अलग कोई लाइन जो है वो भी नहीं देखी जा रही है। ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर मौजूद हो रही है। विदाउट मास्क यहाँ पर अंदर पर बैठे हुए हैं जो भी यहाँ पर स्टैम्प दे रहे हैं। बता रहे हैं कि सुबह से ही सब लोग 9-10 बजे से आकर रुके हुए हैं और जो यहाँ पर देते हैं स्टैम्प वो खुद लेट से आते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। अच्छा, आप लोग इतने लेट से क्यों आते हैं? आप लोग इतने लेट से कितने बजे आते हैं? 11 बजे आएगी। हाँ हाँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा में इतना टाइम दे देगा कोई? तो लंबा लाइन क्यों? आदमी अगर 9:30 बजे से लाइन में खड़ा हो तो भैया लाइन पे तो लगेगा ही ना। सुधांशु शरण रॉय। हर रोज ऐसी भीड़ होती है। हाँ, हम लोग तो 10:30-11 बजे आ जाते हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं कर रहा मैडम। नहीं, लेडीज़ के लिए लाइन है, सीनियर सिटीजन के लिए लाइन नहीं है शायद, क्योंकि मानते नहीं इधर पे लोग मानते ही नहीं। हाँ, लेडीज़ अगर आते तो हम लेडीज़ को पहले दे देते। मास्क तो पहना है, बैग में ही है। दूसरे लेडीज़ या फिर वो लोग भी लेडीज़ नहीं पहनते, इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ आई हुई है। अच्छा, कहाँ से आई है? ফোকদিবাড়ি থেকে আসছি আমি। কত দূর এখান থেকে? এখান থেকে তাও আধা ঘন্টা। কটায় এসছেন সকালে? 9টার দিকে। 9টার দিকে এসছেন। কটায় খুলেছে এখানে কাউন্টার? এখানে খুলছে 9টার পরই খুলে গেছে। 10টার মধ্যে সব খুলে গেছে। 10টার মধ্যে সব খুলে গেছে। তো খুদ বল রই 11 বাজে সে আয়ে হ্যায়। উনি এখন এত কোথাও ছিল, এখন আসলো। কিন্তু আমরা এখান থেকে অনেকক্ষণ থেকেই আসছি। মিল গিয়া হ্যায় আপকো? হ্যাঁ, এখন মিলছে। মিল গিয়া। মাস্ক ইউ নি পেনা? মাস্ক পেনা? মাস্ক ছিড়ে গেল এখন। আচ্ছা, বাইরে সে খড়ি দিজিয়েগা। ইয়ে ইয়াহা কি स्थिति देखी जा रही है कि लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं और उसके बाद जाके लोगों को दिक्कत हो रही है। और ये तो यहाँ पर जुटे हुए हैं, इन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे। अभी जानेंगे कि इनका इस विषय पर और क्या कुछ कहना है। हम बताइए, आप क्या बता? देखिए, अभी इतना पब्लिक है, अगर 4 घंटा 5 घंटा स्टैम्प के लिए इन लोगों का वेट करेंगे कि लोग 12 बजे 1 बजे आकर के स्टैम्प देंगे, फिर 2:30 बजे लोग बंद कर देंगे, तो हमारे पास समय क्या रहेगा? फिर स्टैम्प लेके हम लोग करेंगे क्या? अभी हम लोग काम करने वाला आदमी है, प्राइवेट जॉब है हमारा, अगर हम 2-3 घंटा यूं ही गवा दें तो काम क्या करेंगे? मुद्दा है काम क्या करेंगे, और नहीं काम होगा तो हम लोगों को तो नहीं चलेगा ना।
समय से इन लोगों का समय ही नहीं है। आप 9 बजे आ जाओ, आप 10 बजे आ जाओ, कोई प्राय एब्सेंट है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इनका फोटो भी क्लिक किया है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इन लोगों का एक मिनट। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि इनका जो भी कुछ कहना है, ये आप देख रहे हैं कि सुबह से लाइनों पर ये लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से कितने दिन से आप घूम रहे हैं? 5 दिन से आ रहा हूँ, हर रेगुलर आ रहा हूँ। रेगुलर एक ही बात है, 12-1 बजे आने से खत्म हो जाता है। आधा घंटा से यहाँ ठहरा हुआ, कंटिन्यू एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया लाइन में खड़ा हो। अभी बोल रहा है खत्म हो गया, मालूम नहीं, ये लोग बोल रहे हैं अभी खत्म हो गया। क्या बोले नहीं, 4 दिन से कंडे, मंडे को आया, ट्यूजडे को आया, थर्सडे को आया, आज भी आया। मुखर्जी टामी निश्चित 3-4 दिन हो गए, 10 টাকা। ওই যে শেষ হয়ে যাবে, আপনারা ওই দিকে যান, এখনই বললো ওরা বলছে অন্যদিকে যা। অথচ দেখুন ভেতর থেকে সমান স্ট্যাম্প বিলি হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে দেখুন আপনি, লাইন দেখুন ভেতরে। जो जितना है कैपेसिटी दिया जा रहा है। हाँ, तो आखिर तक जितना अभी लंबा होता जाएगा, बाकी वेंडर है सब डिवाइड करके देगा, ठीक है। हम लोग मार्क कर दिए हैं कि भैया ये इतना तक लास्ट है, उसके बाद अगर कोई खड़ा होता उसको पूछ के खड़ा होना पड़ेगा लाइन में कि इस लाइन पर है नहीं तो उस लाइन पर है। अभी स्टैंप का जो चल रहा है, आप पहले हम लोग से जो बोल रहे हैं आप डिटेल्स और कलेक्ट कीजिए कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग को इन्फो दीजिए। वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम देना है। बहुत टाइम से खड़े हैं लाइन पे लेके, तो वो लोग अंदर से लेके आके ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से बहुत टाइम से लगभग 1 घंटे से खड़े हैं इधर। हाँ नहीं, अभी नहीं मिल रहे हम, मेरे को सिर्फ 10 रुपये का स्टैम्प चाहिए, एक ही चाहिए मुझे। नहीं, हम अभी लेंगे, लेकिन वो लोग अंदर से आके ले रहे हैं। वो देखिए, अंदर से आके अंकल भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोग लेके गए हैं अंदर से। अच्छा, आप कितने देर से खड़े हैं? 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे से खड़े। कितने रुपए का स्टैम्प लेना है? 50 रुपए का। 50 रुपए का, तो अभी भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर भी, लेकिन लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जो दे रहे हैं उनकी तो भीड़ है ही है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ दूसरे लोगों की भी भीड़ है। आप स्टैम्प लेने के लिए आए हैं? हाँ, स्टैम्प लेना है। 50 का? 50 का मिल रहा है। हम लोग मोहरी है, मोहरी हम लोग का काम के लिए हम लोग भीतर से लेते हैं। तो ये देख, लंबी लंबी लाइनों की कतारें जो है वो देखी जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन लोगों से भी कुछ बात करेंगे। कितने बजे से खड़े आप लोग? मैं तो 11 बजे से खड़ा हूँ। 11 बजे से खड़े हैं। कितने रुपए की स्टैम्प चाहिए? 50 रुपीज़ की चाहिए। कितने पीस? 2 पीस। अभी तक नहीं मिला? नहीं, बाहर काला बाजार ही हो रहा है, 50 का 150 मांग रहा है। बाहर नहीं है, अगल बगल में है दलालो, अंदर से स्टैम्प दिख रहा है, बाहर देता ही नहीं है। कब से लाइन खड़े हैं देखिए, उसके बाद नहीं मिल रही है, बाहर से काली बजारी हो रही है। हाँ जी, क्या कब से रुके हुए? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से रुके हुए। स्टैम्प मिल गया आपको? अभी तो मिला ही नहीं। अभी लगी। ए झुंडदा क्यों पूछा? मैं चाली बेचा जा रहा, आप लोग बाहर बेच रहे हैं क्यों? है বলছে যে আপনারা বাইরে বিক্রি করেন, এসব বলছে বেশি পয়সা নিয়ে বাইরে বিক্রি করেন, ওদের পাচ্ছে না, লাইনের দ্বারা ছাড়া পাচ্ছে না। বাইরে যারা যাচ্ছে তা পাচ্ছে না, তো ভেতরে আগে যেতে হবে অ্যাডভোকেটকে, তারপর বাইরে। না, ওনারা বলছেন যে বাইরে বসে আছে যারা, ওরা পাচ্ছে, ওখান থেকে ফ্ল্যাটে পাওয়া যাচ্ছে। বল বল। 50 টাকার 150 টাকা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বলছে। 50 টাকার স্ট্যাম্প পেপারটা 150 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। কোথায়? ওনারাই বলছে। 50 টাকা 150 টাকা পাওয়া যাচ্ছে, কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? কে দিয়েছে? কে দিয়েছে? এখান থেকে দিচ্ছে না, আমাদের তো দামেই পাচ্ছি না। নিয়ে আসেন, বলেন যে তাকে তার নামে অ্যালিগেশন করতে, থানা ড্যাডি দিতে। এখানে দামে দামে দেওয়া যাচ্ছে, থানা ড্যাডি দিতে বলেন। ওটা অ্যাডভোকেটের,
বাইরে থেকে যাদের এক নামে দুইটা করে লাগবে তারা তো পাচ্ছে না না আমাদের একটা যদি লাগে আমরা আমরা দুইটা লাগলে আমরা দুইটা পাবো না একটা পাবো কিন্তু ভেতর থেকে একজনকার নামে যদি দশটা লাগে কিন্তু দশটা ভেতর থেকে নিয়ে যাবে আর ওখান থেকে ভেতর থেকে বাইরে থেকে এসে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে স্থির হয়েছে ভেন্ডারদের কাছ থেকে আমাদের 1200 আটটা ভেন্ডার আছে আর পুরনো আছে চারটা 12টা আমাদের স্থির হয়েছে যে এই যে নঞ্জলিসের স্ট্যাম্পগুলো এটা উকিলরাই ব্যবহার করেন কিন্তু পাবলিকরা কিনে উকিলবাবুদের দেন ঠিক আছে এইবার এক দুটো স্ট্যাম্প দিবে যারা লাইনে খাড়া হয়েছে তাদেরকে আর ভেন্ডারের সাইডে যারা আছে পিছনে যারা আছেন উকিলবাবুরা এবং মোহরিবাবুরা তাদেরকে একটা দিবে এই সিস্টেমে এখানে ভেন্ডাররা স্ট্যাম্প বিক্রি করে ওরা ঠিক বলছে না অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে তো ওই জন্য আমরাও অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকি আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাই না আমরা সব এইগুলা এই উকিলবাবুরা দাঁড়িয়ে আছেন মৌরিবাবুরা দাঁড়িয়ে আছেন পরপর মুখ চেনা আছে ওর পরে আমি আসলাম আমার পরে যে আসবে সে নেবে তার আগে যে আসছে তার আগে আমি আমরা নেব না বুঝতে পারলেন এই হচ্ছে লেট হোক লিখনে হতা না সরকার ই কার দিয়া মোবাইল নাম্বার লিখনে হতা স্ট্যাম্প কা নাম্বার ও ও বাত ও বাত ও ও বাত সহি নেই হ্যাঁ ও বাত জো কহ রহা হ্যায় থোড়া দের সে খড়া হুয়া হ্যায় বাত সহি হ্যায় লেকিন ও দু ঘন্টা তিন ঘন্টা সে খড়া হুয়া হ্যায় ইয়ে বাত সহি নেই হ্যায় না এই লোক ঝুট কর রহা হ্যায় হ্যাঁ তোল মরার কে বল রহা হ্যায় বললে বল রহা হ্যায় বলতে হ্যায় এই লোক হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে कह रहे हैं कि अंदर के जो वकील साहब है उनका कहना है कि जो ये लोग खड़े हैं डेढ़ दो घंटे से आप कितने घंटे से खड़े हैं साढ़े दस बजे से हम खड़े हैं আমি 10:30টা থেকে দাঁড়ায় আছি আমি 11 বাজে আছি আমি 10:30টার সময় থেকে মেবি 11:30 আমি সেম টাইম এনে এনে পিছনে আমি ছিলাম আপনি লোক ঝুট কে রে অন্দর কে ওয়াকিল সাহেব কে রে কি আপনি লোক ঝুট বল রে তো আমি উস হিসাব সে এই জায়গা মে সিসি ক্যামেরা লাগানা চাই কে কোন কিতনা বাজে তা খড়া হ্যায় ও দেখনা দেখনে কে লিয়ে আপ দেখিয়ে সব লোক তো বলে না ওয়াকিল সাহেব সহি বল রে কি ইয়ে সহি বল রে আব আপ সমঝিয়ে কোন সহি বল রে আব জো লোক খড়ে হ্যায় জো লোক ইস সমস্যা সে জুঝতে হ্যায় বাস ওয়হি জানতে হ্যায় কি ইয়ে সহি হ্যায় ইয়া ও সহি হ্যায় বাকি ইয়ে কে রে হ্যায় यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 50 रुपए की जो स्टैंप है वो बाहर बिक रही है 150 रुपए में अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जो यहाँ पे खड़ी बिक्री करते हैं उनको ही पता है और जो यहाँ पर आते हैं उनको ही पता है यहाँ पर देखी जा रही है कि वकील साहब आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं या फिर जो बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं अब कौन सच है कौन झूठ है वो आप सभी जानते ही हैं या फिर आप सभी के सामने खुली किताब के तरह ही है सिलीगुड़ी कोर्ट से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता एसके लाइव अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक तो देर किस बात की अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000 बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता विजिट करें व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें राजधानी गारमेंट्स सेकंड फ्लोर स्टॉल नंबर 24647 गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलीगुड़ी कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328 कोविड से हो गए हैं टेंस दिल डिमांड्स अ चेंज सही नहीं दूर घूमने जाने को शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को समित होटल दार्जिलिंग और कालिंपोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता गुड रूम्स गुड फूड डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031 व्हाट्सएप कॉल 8388778788 फॉर कॉल
आज जहां कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।